हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर। पाइथन लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे कि नेस्टेड कंडीशन क्या होता है। तो अभी तक हम लोग कंडीशन स्टेटमेंट में काफी चीजें पढ़ चुके हैं। हमने इफ कंडीशन देखा है, इफ एस देखा है और एलिफ भी देखा है। नेस्टेड कंडीशन क्या होता है? जब आप एक कंडीशन के अंदर किसी दूसरा कंडीशन को लेते हो तो उसी को आप नेस्टेड कंडीशन बोलते हो। तो इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो यहां पे हम लोग न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल को रीनेम कर लेते हैं। हमारा फाइल नेम रहेगा नेस्टेड कंडीशन। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यूजर को एक मैसेज देंगे एक्स इक्वल टू इनपुट डू यू वॉन्ट टू वोट, क्या आप वोट देना चाहते हो। तो यहां पे बेसिकली हम यूजर से यस और नो इनपुट करवाएंगे। तो यहां पे चूंकि ये स्ट्रिंग ही होगा तो हमें टाइप कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। तो उस केस में यहां पे सिंपली आप लिख सकते हो इफ एक्स इक्वल टू, यदि यस हो कॉलन एंटर। तो यदि ये कंडीशन ट्रू हो तो यहां पे हम लोग फिर से कंडीशन लेंगे। और कंडीशन में बेसिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर को फिर मैसेज देंगे कि आप अपना एज बताइए। तो यहां पे एक वेरिएबल या वाई इक्वल टू इनपुट, यहां पे फिर हमने मैसेज दिया एंटर योर एज। अब यहां पे टाइप टेस्ट करना पड़ेगा। तो वाई इक्वल टू इंट ऑफ वाई कर लेते हैं, आप चाहो तो फ्लोट भी कर सकते हो या फिर यहां पे एज कर लो, ये बेटर। अब यहां पे हमें कंडीशन लेना है इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो तो यहां पे प्रिंट में हम लोग ले लेंगे यू आर एलिजिबल फॉर वोट। नहीं तो एल्स में इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब चाहो तो यहां पे स्पेस भी ले सकते हो। तो बेसिकली यहां पे क्या होगा, जब यूजर यस करेगा तो यहां पे फिर से उसको ऑप्शन दिया जाएगा। यदि उसका एज ग्रेटर देन 18 हो तो वो एलिजिबल हो जाएगा वोट के लिए, यदि लेस देन 18 हो तो वो एलिजिबल नहीं होगा वोट के लिए। तो यहां पे कंट्रोल एंटर करते हैं। तो यहां पे देखिए पूछ रहा है डू यू वांट टू वोट, तो यहां पे यस कर लेते हैं एंटर। अब यहां पे पूछ रहा है एंटर योर एज, क्योंकि यहां पे हमारा कंडीशन ट्रू हो गया है क्योंकि हमने यस एंटर किया हुआ है। तो यहां पे हम लोग करते हैं 19 एंटर। तो देख सकते हो यहां पे बोल रहा है यू आर एलिजिबल फॉर वोट। फिर से रन करवाते हैं कंट्रोल एंटर डू यू वांट टू वोट, तो यहां पे हम लोग कर लेते हैं नो एंटर। तो इस केस में ये रन नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ भी कंडीशन नहीं दे रखा है। फिर यहां पे कंट्रोल एंटर करते हैं, इसमें यस करते हैं एंटर, यहां पे हम लोग एंटर कर रहे हैं 15, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो इस तरह नेस्टेड कंडीशन बना सकते हो, जहां पे एक कंडीशन आपने बनाया उस कंडीशन के अंदर गया फिर वहां पे आप दूसरा कंडीशन ले रहे हो। यहां पे एक और एग्जांपल दे सकते हो। यहां पे हम लोग क्या करते हैं x इक्वल टू 10, यहां पे कंडीशन लेते हैं इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यदि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तो यहां पे हम तीन वेरिएबल्स लेंगे a कॉमा b कॉमा c इक्वल टू, इसमें हम असाइन कर लेंगे 10 कॉमा 20 कॉमा 30। तो यहां पे a को 10 असाइन हो जाएगा, b को 20 हो जाएगा और c को 30 हो जाएगा। अब यहां पे हम लोग कंडीशन लेंगे इफ a ग्रेटर देन b एंड ऑपरेटर a
ग्रेटर देन सी। यदि ये हो तो यहां पे कॉलन प्रिंट ए इज ग्रेटर, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहां पे कर लेंगे एलिफ, बी इज ग्रेटर देन ए। यदि बी ए से ग्रेटर हो या फिर बी जो है वो सी से ग्रेटर हो तो यहां पे हम लोग प्रिंट करवा लेंगे बी इज ग्रेटर। और फाइनली यहां पे कंट्रोल वी, यहां पे हम लोग ले लेंगे एल्स में एंटर, सिंपली यहां पे सी इज ग्रेटर। ये सिंपल है, लास्ट में हमने ये भी किया था, लेकिन यहां पे हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में कंडीशन ले रहे हैं कि यदि यहां पे x का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो तो उस केस में हम इसके अंदर आ जाएंगे। और यहां पे हमारा तीन वेरिएबल होगा ए बी सी, इसमें हम वैल्यू असाइन कर लेंगे और यहां पे हम कंडीशन चेक करवा लेंगे कि यदि ए बी से ग्रेटर हो और ए सी से ग्रेटर हो तो हमारा ए ग्रेटर हो जाएगा। उसी तरह हमने यहां पे बी के लिए कंडीशन ले लिया और फाइनली यदि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो हमारा ये वाला चलेगा। तो इसको रन करते हैं कंट्रोल एंटर, तो यहां पे देख सकते हो सी इज ग्रेटर क्योंकि यहां पे 30 जो है वो सी है, तो मतलब 30 जो है वो 10 से भी बड़ा है और 20 से भी बड़ा है, तो इस केस में ये दोनों जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो इसलिए हमारा ये रन कर गया। तो ये हो जाता है आपका नेस्टेड कंडीशन। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।